फिर से आ गए रे बाबा इधर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाथ छोड़ दे यार, और रहना नहीं मुझे यहाँ। क्यों, क्या हुई? पूरी स्क्वाड खा गया भाई ये। इन बच्चों के लिए हम पेड़ पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। करो हाथ जोड़ के मैं। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब बहुत हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और मेरे पबजी लाड वाले भाइयों, तो कैसे यार आप सभी लोग, तो कैसे आ चुका है एक और वीडियो लेके। भाई ऑडियंस के कमेंट आते रहते हैं भाई अपडेट कब तक आएगा, तो भाई लोग देखो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पिछले वाला अपडेट भाई 0.27.0 अपडेट आया था भाई जनवरी 24 को, जो एक 3 महीने कंप्लीट होने के आगे बस 10 दिन और बचे हैं। तो भाई थोड़ा सा इंतजार रखो और हमें कैसे जल्दी से बीटा वर्जन का अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई अभी भाई थोड़े दिन पहले हमें भाई 0 MB का अपडेट देखने को मिला था, जो एक आपको ये पता होगा। और हमें भाई जैसा लग रहा है भाई डेवलपर्स जल्दी से भाई बड़ा अपडेट देंगे, जो एक पहले भाई बीटा वर्जन का देंगे। भाई 3 महीने कंप्लीट हो गए भाई 0.27.0 का, तो ये अब हमें इंतजार है भाई 0.28.0 का। और क्या ये वाले अपडेट भाई अच्छा हो सकता है, जिससे भाई ऑडियंस फिर से भाई गेम में कमबैक कर सकती है, तो बस आपको भी ऐसा ही लगता होगा। बट गाइस देखते हैं, देखो बस अभी के टाइम में BGMI में भी यही प्रॉब्लम है भाई, गेम क्रैश हो रहा, और आपको भी पता होगा उसमें भी हैकर देखने को मिलता है। बट अभी के टाइम में अपने पबजी लाइट में बस हैकर देखने को मिल रहे, गेम क्रैश नहीं होता। बट गाइस देखो ऑडियंस को ऐसा लगता है भाई पबजी लाइट में जो अपडेट आएगा तो उसमें भी मतलब फिर से भाई क्रैश प्रॉब्लम आ सकती है क्या? तो भाई लोग देखो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। बट गाइस देखो हैकर फिर से आ गए तो भाई गेम को जो ऑडियंस खेल रही है वो फिर से भाई छोड़ के भाग जाएगी, ये लास्ट उम्मीद लग रही है मेरे को भाई पबजी लाइट में। जो भाई ये अपडेट देंगे ना, इनमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा हैकर नहीं बढ़ने चाहिए, इनको भाई एंटी चीट सिस्टम सीधा लागू कर देना चाहिए। जो बंदा भाई चीटिंग करता है उनके आईडी पे भाई रिपोर्ट पड़ती है, तो तुरंत उन्हें बैन मिलना चाहिए, छोटा सा भी मिलो पर भाई बैन पूरे सारे बंदों को मिलना चाहिए जो भाई हैक लगा के गेम को खेलते हैं। और हाँ गाइस, जो भी आपके फ्रेंड कोई भी है जो भाई हैक लगा के गेम को खेलता तो उसे बोलो भाई पबजी लाइट को खराब मत करे, तो भाई BGMI में चला जा, उसको खराब कर, उसमें भी थोड़ा सा हैकर देखने मिल रहा है, उसमें भी भाई गिलिच वगैरह सब कुछ होता है भाई, तो उसमें चला जा, पबजी लाइट को खराब मत करे हैक लगा के। तो बस आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना पबजी लाइट में क्या रखा भाई, तेरे को मजा नहीं आएगा BGMI में खेल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किल करने भाई हैक लगा के, पर इसमें मत खेल भाई, हमें आ रही जैसे भाई नॉर्मल प्लेयर के लिए छोड़ दे भाई, थोड़े बहुत बचे तो भाई उनको रहने दे यार। तो भाई लोग आपको ऐसा लगता तो भाई अपने फ्रेंड को समझा देना जो जो भाई हैक लगाता है गेम में। तो भाई लोग देखो ये पबजी लाइट का जो अपडेट आएगा 0.28.0 और इसमें भाई अच्छा हो सकता है, मेरी मान के चलो तो भाई अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो बस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, ये अपडेट हमें जल्दी से देखने को मिल जाएगा। तो भाई लोग मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले लेके आ चुका, उस वाली गेम प्ले भाई लोग आज तक जरूर देख के जाना, आपको देख के एकदम मजा आ जाएगा। तो मैं कहता था अपनी टीम के साथ और आ जा चुका ओल्ड बेसिन, और देखो भाई ये गिलेच हो जाता, मैं उतर रहा था भाई ऊपर वाले घरों की तरफ, बट इधर की तरफ आ जाता तो पहले भाई जल्दी से गन ढूंढ लेता, यहाँ पे भाई बंदे तो आए होते बट हैकर होते तो भाई निपटाना तो पड़ेगा। तो भाई जल्दी से यहाँ पे मेरे को M16 मिल जाती और MP5 के भी मिल जाते। अब कुछ बंदे भाई इधर होते और एक बंदा भाई मेरे को इस वाले घर में दिखता तो भाई पहले इसे निपटाता हूँ मैं। एक भी बंदा दिखा, और चलो भाई इसकी तो पेटी बना दे, इसकी पेटी में कुछ खास तो मिलता नहीं है, बट और भी भाई सामने की तरफ बंदे होते, एक बंदा होता भाई सामने वाले घर में जो क्या हैकर होता, मैं सोचा भाई ट्रिक यूज करके ऊपर की तरफ जाएंगे, बट देखो भाई बंदा नीचे आ जाता।
और कर ले बकचोदी। और इस वाले बंदे को भाई जैसे नॉक करता देख रहे भाई बंदे को भाई कितने स्पीड से भाग रहा होता। और इसका भाई करियर भाई पबजी लाइट में कुछ भी नहीं, ऐसे भाई बीजीएमआई में जाके भाई ट्राई करना चाहिए ये वाला स्पीड हैक लगा के। तो आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट कर देना। तो भाई इसकी पेटी में से थोड़ी बहुत लूट उठा लेता जो भी मिलता भाई सबको जुटा। मैं यहाँ से भाई जा रहा होता तो भाई पहले बोर्ड दिखता है इधर। तो चलो भाई इधर तो सारे बंदे हो चुके खत्म, ना रियल बच रहे ना ही बोर्ड बच रहा है। तो भाई जल्दी से उठा था यहाँ से गाड़ी, अपने टीममेट्स को बिठा के निकला था और बंदों को ढूंढने। रास्ते में पहले एक बोर्ड दिखता, इसको निपटा के सीधा आता भाई सेंट्रल रोड की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ पे दो टीम की फाइट चल रही होती है। तो बस देखो कैसे निपटा था। अब मैं थोड़ी देर इधर ही भाई इंतजार करता बंदों का, तभी देखो भाई बंदे आ भी जाते भाई गाड़ियाँ लेके। तो बस देखो बहुत बढ़िया। और इन बंदों ने भाई मेरा किल चुरा लिया जिसको भाई स्टार्टिंग में नॉक किया था। अब कुछ बंदे भाई सामने की तरफ बच रहे होते तो भाई चलो उनको भी देख लेते हैं। तो बस देखो कैसे निपटा था। अब सामने की तरफ जो भी बंदे थे भाई सबको निपटा दिया। अब यहाँ पर तो भाई और बंदे नहीं बच रहे थे, अब बंदे भाई बच रहे होते भाई थ्री डील की तरफ। तो भाई जल्दी से गाड़ी उठा के मैं आ जाता भाई सीधा इधर की तरफ ही। यहाँ पे भाई मैं सामने वाले बंदों का इंतजार कर रहा था कब भाई बंदे खुले में दिखे, जो भी एक बंदा आ भी जाता सामने की तरफ। देखो भाई एक कर होता है स्पीड एक कर। और चलो भाई इस वाले स्पीड हैकर को तो निपटा दिया। उसके बाकी के टीममेट भाई आसपास में हो सकते हैं, हम थोड़ी देर इधर ही रुकते हैं। तभी देखो भाई सामने की तरफ से और भी बंदे आ जाते हैं। तो बस देखो क्या होता, ऐसे बनेगा क्या गेम प्ले। अरे पागल है कि दिमाग खराब। ग्रेनेड कर रहा। बहुत बढ़िया। आगे करो। मैंने भाई इस वाली टीम के एक और बंदे को नॉक कर दिया था, बट जो बंदा भाई हैकर होता ना वो बंदा तो भाई अभी तक भाई इधर ही घूम रहा होता और मेरे पास भाई हीलिंग भी नहीं होती है। तो बस देखो यहाँ पे क्या सीन हो जाता। और अगर भाई मेरे पे एक फर्स्ट एड होती तो वही जी निपटा देता, बट भाई गलत ही सीन हो जाता। तो भाई ये आज का गेम प्ले पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई करके जरूर जाना। तब तक के लिए गाइस बाय।